दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का एक नए प्रोजेक्टर के रिव्यू वीडियो में दोस्तों आज हम करने वाले हैं बोर्सो बी एस फोर्टी का रिव्यू आई होप दोस्तों कि आपने हमारा बी एस फोर्टी का फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो देखा होगा अभी के समय में इस प्रोजेक्टर को चार से पांच रोज से मैं यूज कर रहा हूँ और इस वक्त मैं इस प्रोजेक्टर के बारे में आपको एक सही जानकारी दे सकता हूँ सही ओपिनियन दे सकता हूं क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की है जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इस वीडियो में शेयर कर सकता हूं। और उसके बाद में आप ये ओपिनियन बना सकते हैं कि आपको अगर इस प्रोजेक्ट को परचेस करना है करें या नहीं तो दोस्तों तो बिना वेस्ट करते हुए टाइम को करते हैं अपने पहले बात करें लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की फुल ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा जिसमें सामने की तरफ आपको इमेज करेक्शन लेंस लेफ्ट साइड में हीट वेंटिलेशन ग्रिल और राइट साइड में आपको डस्ट फिल्टर जो प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ से ओपन होता है प्रोजेक्टर के बैक साइड में आपको सारे कनेक्टिविटी पोर्ट मिल जाएंगे जैसे दो यूएसबी पोर्ट एक हेडफोन पोर्ट एक एवी पोर्ट दो एच पोर्ट एक आईआर रिसीवर और नीचे के साइड आपको पावर पोर्ट मिल जाएगा प्रोजेक्टर के ऊपर में आपको बोरसो की ब्रांडिंग और पीछे के साइड आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ चार रबर फुट जिसे रिमूव करने पे आपको सीलिंग माउंट थ्रेड मिल जाएगा और एक हाइट एडजस्टिंग नोब जिसे टेबल पे आप सेटअप करते हैं तो सामने से प्रोजेक्टर की हाइट को एडजस्ट करने में काम आता है प्रोजेक्टर के साथ आपको मिलने वाला है एक रिमोट एक पावर केबल एक एच केबल एक एवी केबल एक वन ईयर की वारंटी कार्ड एक बोरसो की तरफ से थैंक कार्ड और एक डस्ट क्लीनिंग किट मिल जाता है जिसे आप खुद से प्रोजेक्टर के डिस्प्ले में तो के के रिमूव को क्लीन कर सकते हैं प्रोजेक्टर हाई ग्रेड प्लास्टिक मेटेरियल से बना हुआ है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्टर के हाईलाइटेड फीचर जो कंपनी ने किया है दोस्तों ये प्रोजेक्टर थाउजेंड नेटिव रेजुलेशन वाला फुल्ली ऑटोमेटिक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जिसमें आपको ऑटो फोकस ऑटो की स्टोन कनेक्शन ऑप्टिकल ऑबर्डेंस जैसे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं ये प्रोजेक्टर आता है एंड्रॉइड वर्जन 9 के साथ में वन जीबी रेम एट जीबी इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगा ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की टू थाउजेंड एनसी लूमेंस है और कॉन्ट्रेस्ट रेशियो की बात करें तो फोर्टी थाउजेंड इंस टू वन का हाई डायनेमिक कॉन्ट्रेस्ट रेशियो है दोस्तों इस प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो भी काफी बढ़िया है वन इंस टू टू फाइव का है कम डिस्टेंस में ये बड़ी स्क्रीन बना सकता है जैसे कि नाइन फीट के डिस्टेंस में हंड्रेड इंच तक का स्क्रीन ये इजीली बना सकता है इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई जो वर्जन के साथ में आता है ब्लूटूथ वर्जन फाइव पॉइंटी मिल जाता है जैसे प्रोजेक्टर के आप कोई भी देखते हो तो एच डी एम आई वन और एच डी एम आई टू को एज ए एच डी एम आई आर सी यूज कर सकते हो एक्सटर्नल डिवाइस अगर कनेक्ट करते हो तब भी किसी एक एच डी एम आई पोर्ट पे आप एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करके दूसरे पोर्ट को एच डी एम आई आर सी के तरह यूज कर सकते हो अपने साउंड बार को या होम थिएटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए इसमें आपको न्यू टेक्नोलॉजी डॉटेड पिक्सल एल टीपीएस वाइट एल सी डी डिस्प्ले जो हंड्रेड का एन टी एस कलर गैमेट के साथ आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी का एक्सपीरियंस कराता है ये प्रोजेक्टर सपोर्ट करता है फोर और एच डी आर को यूएसबी पेनड्राइव के थ्रू यूएसबी पेनड्राइव के थ्रू आप फोर के एच को प्ले कर सकते हैं जिसके लिए आप VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करके इजीली 4K कंटेंट को प्ले कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से आप मैक्सिम थ्री हंड्रेड इंच तक का स्क्रीन बना सकते हैं और लैंप लाइफ इस प्रोजेक्ट की 50,000 थाउजेंड आवर्स का है पावर कंजप्शन इस प्रोजेक्टर का टू टेन वाट का है ये प्रोजेक्टर आता है सेमी ऑप्टिक क्लोज इंजन टेक्नोलॉजी के साथ में जो काफी हद हाँ तक डस्ट से प्रोटेक्ट करता है प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट जाने में और इस प्रोजेक्टर की प्राइस की अगर हम बात करें तो ये आपको Amazon पे रुपीस का पड़ने वाला है तो दोस्तों तो ये तो हुए प्रोजेक्टर के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की तो जैसे की कंपनी का कहना है की एक शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है और कम डिस्टेंस में बड़ी स्क्रीन बनाता है और मेरे पास जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है हंड्रेड इंच का है जिसके लिए इस प्रोजेक्ट प्रोजेक्टर को मैंने लगभग 11 फीट का डिस्टेंस में सेट किया है जिसमें जिसमेड एंड इंच का स्क्रीन बना रहा है अब दोस्तों इतनी बड़ी स्क्रीन में इसकी जो ब्राइटनेस है मुझे काफी अच्छी लगी कमरे में वाट का लाइट ऑन रहने के बाद भी इसकी जो विजिबिलिटी है स्क्रीन में काफी बढ़िया है जिसे ये पता चलता है की इस प्रोजेक्टर का जो ब्राइटनेस है काफी जबरदस्त है तो इस प्रोजेक्टर से आपको ब्राइटनेस की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली बात करें पिक्चर क्वालिटी कलर्स और कॉन्ट्रेस की तो दोस्तों इस प्रोजेक्टर से आप इनबिल्ड एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के कंटेंट को यूज करते हैं तो आपको इस प्रोजेक्टर में एक डिफॉल्ट पिक्चर मोड मिल जाएगा जिसे आप किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते जिसमें आपको कलर और कंट्रास्ट जो है डिसेंट कहूंगा मैं बहुत ज्यादा डीप कलर नहीं है मगर एक नेचुरल कलर हम कह सकते हैं मगर मेरे हिसाब से आप अगर कोई भी प्रोजेक्टर परचेस करते हैं तो आपको एक्सटर्नल डिवाइस जरूर से जरूर यूज करना चाहिए जैसे मैं इस प्रोजेक्टर में यूज कर रहा हूँ तो तो करता हूँ ब्रांड का एंड्रॉइड टीवी बॉक्स आप यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल डिवाइस पे आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन मिल जाता है जिसे आप अपने हिसाब से पिक्चर को कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि इसकी ब्राइटनेस कॉन्ट्रेस सेचुरेशन शार्पनेस इन चीजों को कस्टमाइज करके आप और भी बेहतर कलर कॉन्ट्रेस और पिक्चर क्वालिटी पा सकते हैं इसके अलावा एक्सटर्नल डिवाइस यूज करने का बेनिफिट ये भी होता है दोस्तों कि हम किसी भी इनबिल्ड प्रोजेक्टर से यूट्यूब में थाउजेंड या फिर उससे हाई रेजुलेशन कॉन्टेंट देख सकते हैं मगर ओटीटी प्लेटफॉर्म का कॉन्टेंट की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के कॉन्टेंट हमें हाई रेजुलेशन में देखने को नहीं मिलता इस प्रोजेक्टर में भी ऐसी है ओटीटी प्लेटफॉर्म के कॉन्टेंट आपको एच या फिर उससे नीचे के रेजुलेशन में देखने को मिलेंगे जिसमें एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं रहता है और दूसरी पिक्चर कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये कह सकता हूँ कि इन प्रोजेक्टर में उस तरह का एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने पे मिलता है इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे एप्लीकेशन भी मिल जाते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं मगर मैं रिकोमेंड करूंगा कि आप अगर कोई एंड्रॉइड बॉक्स या फाइव टीवी स्टिक यूज करते हैं तो उसी का ही एप्लीकेशन जैसे प्राइम नेटफ्लिक्स हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के कॉन्टेंट हुए या फिर आप कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू ही उस एप्लीकेशन का आप यूज करें डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा प्रोजेक्टर में आपको टू वे एच डी मैरसी का ऑप्शन है जिसे आप अपने पर्सनली तो तो ये प्रोजेक्टर काफी अच्छा लगा हालांकि फोर के सपोर्ट नहीं कर रहा है एच सपोर्ट नहीं कर रहा है एक्सटर्नल डिवाइस पे फिर भी जिस तरह का रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है जिस तरह का तार पीमेज देखने को मिल रहा है मेरे लिए ये प्रोजेक्टर काफी अच्छा है जिसे आप भी डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं लिंक आपको आप तो कर तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें आज का वीडियो वैसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद